दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट शाम 4:30 बजे फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया पर कुछ आरोप लगाए हैं, ये सब गलत है। मैंने कहा था कि कोई भी दोषी नहीं है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक नहीं, ये बात मैंने ही सुनवाई के दौरान गई है, ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट्स पर आधारित है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया था। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी।